आज एरिका फर्नांडिस को देखकर सभी उनकी ग्लैमरस लाइफ और फेम की तारीफ करते रहते हैं, लेकिन उनकी अर्ली लाइफ के स्ट्रगल्स रेयरली ही लोगों को पता है। हे एवरीवन, वेलकम टू ग्लैमर। आज हम इस वीडियो में आपको एरिका फर्नांडिस की लाइफ से जुड़ी हर वो पॉसिबल बात बताने वाले हैं, जो एक फैन होने के नाते आपको भी पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। एरिका, जिन्हें प्यार से सब एरी या ई नाम से पुकारते हैं, उनका जन्म 7 मई 1993 को मैंगलोर कर्नाटका में एक कैथोलिक फैमिली में हुआ था, लेकिन उनकी अपब्रिंगिंग कुर्ला मुंबई से हुई। उन्होंने अपनी स्कूलिंग होली क्रॉस हाई स्कूल से की एंड प्री डिग्री कोर्स SIES कॉलेज से कंप्लीट करने के बाद उन्होंने सेंट एंड्रयू कॉलेज बैंड्रा में एडमिशन लिया ही था कि मॉडलिंग की वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। एरिका की फैमिली में उनके पेरेंट्स के अलावा उनका एक बड़ा भाई भी है। एरिका बचपन से ही मॉडल या फिर एक्टर बनना चाहती थी। एरिका को अपनी करियर लाइफ में इतने स्ट्रगल्स नहीं देखने पड़े, लेकिन जब वो 10-11 साल की थी तभी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से उन्हें मैच्योर होना पड़ा। एक्चुअली बचपन में एरिका बहुत ही फन लविंग एंड टॉमबॉय टाइप की लड़की थी कि अचानक ही एक दिन उनके फादर को हार्ट अटैक आ गया और ये हार्ट अटैक थर्ड हार्ट अटैक था, जिस वजह से वो कोमा में चले गए थे। तब घर का सारा लोड उनकी मम्मा पे आ गया। कुछ टाइम ऐसा भी था कि घर में खाने के पैसे भी नहीं हुआ करते थे। तभी से एरिका का इंटरेस्ट कुकिंग, स्टिचिंग, सेल्फ मेकअप और सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने में जागा और धीरे धीरे वो इंडिपेंडेंट बनती चली गई। एक बार वो पार्लर में हेयर कटिंग कराने गई थी कि उन्हें एक फोटोशूट का ऑफर मिला और वो एक मौका था उनकी लाइफ चेंजिंग फेज का। फिर उन्हें बॉम्बे टाइम्स फ्रेश फेस के लिए चुना गया। उसके बाद में उन्होंने मिस महाराष्ट्र 2011 और फ्रेश फेस ऑफ महाराष्ट्र 2011 का खिताब जीता। उसके बाद उन्होंने फेमिना मिस इंडिया 2012 में पार्टिसिपेट किया, जहां उन्हें फिर से पैंटलून फेमिना मिस इंडिया फ्रेश फेस का क्राउन मिला और वो टॉप 10 कंटेस्टेंट्स में भी अपनी जगह बना पाई। लेकिन एरिका का एम कभी भी मिस इंडिया बनने का नहीं था, बल्कि लाइफ में कुछ सीखना ही उनका मेन मोटिव था। फिर एरिका मॉडलिंग करियर से एक्टिंग फील्ड में आई और उन्होंने हिंदी फिल्म्स एंड टीवी के अलावा तमिल, तेलुगु एंड कन्नड़ मूवी में भी काम किया। उन्होंने बबलू हैप्पी है नाम की हिंदी मूवी से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। 2016 में एरिका को अपना पहला टीवी डेब्यू मिला कुछ रंग प्यार के ऐसे भी सीरियल से, जिसमें उन्होंने शाहिर शेख के अपोजिट रोल किया। उनके डॉक्टर सोनाक्षी बोस के किरदार को लोग आज भी मिस करते हैं। करंटली एरिका कसौटी जिंदगी 2 में प्रेरणा शर्मा का रोल प्ले कर रही है। एरिका को अपनी एक्टिंग की वजह से टीवी इंडस्ट्री में बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। प्राइवेट लाइफ की बात की जाए तो एरिका को मी टाइम स्पेंड करना पसंद है, लेकिन अपने लिए टाइम वो रेयरली ही निकाल पाती है। एरिका एक्सट्रीम हार्डवर्किंग एक्ट्रेस है। बस ये शाम 12 से 16 घंटे शूटिंग करने के बाद भी वो इंटरव्यूज और अपने फैंस के लिए यूट्यूब चैनल पर वीडियोस अपलोड करती रहती है। एरिका को सोशल मीडिया यूज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनकी फेवरेट एक्ट्रेस है कंगना एंड प्रियंका चोपड़ा एंड फेवरेट एक्टर उनका कोई भी नहीं है। बहुत कम ही फैंस जानते हैं कि एरिका फर्नांडिस को क्रिकेट हद से ज्यादा पसंद है। उनकी क्रिकेट टीम भी है और वो खुद भी क्रिकेट खेलती है। इन सब के अलावा एरिका एक बहुत ही अच्छी सिंगर भी है। एरिका मिरेकल्स में बहुत बिलीव करती है। उनके फादर की लाइफ वापस आना उनकी लाइफ का सबसे बड़ा मिरेकल था। एक इंटरव्यू के दौरान एरिका ने बताया था कि जिस टाइम उनका ब्रेकअप हुआ था तब वो अंदर से टूट गई थी, लेकिन उस चीज को पॉजिटिव वे में लेते हुए अब उन्होंने खुद से प्यार करना और खुद को इम्पोर्टेंस देना सीख लिया है। एरिका एक ऐसी एक्ट्रेस है जो अपना दिन एक पॉजिटिविटी के साथ शुरू करती है और रात को सबको माफ करके सोने में ही बिलीव करती है। वो बताती है कि उनका दिल बहुत ही फॉरगिविंग है और इसी वजह से उन्हें लाइफ में ज्यादा लोड नहीं लेना पड़ता। वो बताती है कि वो पहले से भी ज्यादा मैच्योर इंसान बनी है। एरिका को खाना खाने का बहुत शौक है और वो बहुत बड़ी फूडी है। उन्हें जंक फूड खाना भी बहुत पसंद है, लेकिन एरिका को वेट लूज करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो बस अपना वेट मेंटेन करके चलती है। एरिका के फैंस उन्हें इलियाना डिक्रूज की सिस्टर बोलते हैं, जिसे एरिका पॉजिटिव वे में लेती है क्योंकि उन्हें इलियाना खुद भी बहुत पसंद है। अपनी 10 इयर्स के आगे की लाइफ के बारे में एरिका कहती है कि वो 10 इयर्स में खुद की एक सेटल्ड फैमिली देखना चाहती है, वो भी विद किड्स, क्योंकि वो फैमिली ओरिएंटेड लड़की है। एरिका के लिए मनी सबसे एंड में जगह लेता है। उनके लिए उनकी लाइफ और उनकी फैमिली ज्यादा मैटर करती है। एरिका बताती है कि उनकी लाइफ ने उन्हें पैसों की वैल्यू करना
बहुत ही कम एज में सिखा दिया था। एरिका फ्रेंड्स बनाने में ज्यादा बिलीव नहीं करती, लेकिन उनकी को-स्टार से उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। अपने को-स्टार पार्थ संधाई के साथ भी वो बहुत अच्छी बॉन्डिंग शेयर करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फैंस एरिका को कसौटी जिंदगी 2 में पार्थ संधाई के साथ बहुत पसंद कर रहे हैं और आगे भी करते ही रहेंगे। इसी विश के साथ कि आपने एरिका की लाइफ से बहुत कुछ सीखा होगा, मैं इस वीडियो को यहीं एंड करना चाहूंगी। आपको इस वीडियो में क्या पसंद आया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और यदि आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करके जाना, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।